हाय एवरीवन, दिस इज़ अमृता और ये मेरा यूट्यूब जर्नी शेयर करने का पहला वीडियो है जहां मैं आप लोगों से अब मेरी यूट्यूब जर्नी तो शेयर करना ही चाहती हूं, साथ में ये भी बताना चाहती हूं कि क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझे पर्सनली इतना अच्छे से नहीं जानते हो क्योंकि मैंने अभी तक अपनी कोई पर्सनल डिटेल्स और अपने बारे में एज अ पर्सन मैं कैसी हूँ आपको बताया नहीं है अभी तक। तो ये एक वन ऑन वन सेशन है हमारे बीच में। सो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं जयपुर से हूँ, मेरा नेटिव जो है वो राजस्थान है और मैं वहीं पली बड़ी हूँ। मेरे मम्मी पापा, मेरी सारी फैमिली वहीं राजस्थान की ही है। सो अबाउट माई एजुकेशन, मैंने मास्टर्स किया है साइकोलॉजी से, स्पेशलाइजेशन जो था वो क्लिनिकल साइकोलॉजी था और MBA भी किया है मैंने। सो आफ्टर MBA मैंने इन्फोसिस में जॉब करी थी कुछ 4-5 साल और उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स साइकोलॉजी का कोर्स कंप्लीट किया और काउंसलर बन गई क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट था साइकोलॉजी में। सो इसीलिए मैंने ये कोर्स किया और उसके बाद मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया जहां मैं एक साइकोलॉजिकल काउंसलर के तौर पे काम करती थी। फिर लाइफ में सडनली ट्विस्ट आया और मेरी शादी हो गई। फिर शादी के बाद आई हैड टू मूव टू तमिलनाडु फ्रॉम राजस्थान। सो हियर मुझे थोड़ा प्रॉब्लम ये आया कि यहाँ पे लैंग्वेज इश्यूज था, मुझे तमिल नहीं आती थी और यहाँ पे तो बस तमिल और इंग्लिश चलती है। सो somehow आई वॉज एबल टू गेट अ जॉब एज अ HR रिक्रूटर हियर। सो करीब करीब मैंने साल भर वहाँ काम किया और उसके बाद लाइफ में एक और सरप्राइज़ ये था कि मुझे गुड न्यूज़ मिला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और प्रेगनेंसी के इनिशियल टाइम में काफ़ी सारी मुझे हेल्थ इश्यूज रही है, तो लाइक वॉमिटिंग, नौजिया, फीलिंग, मॉर्निंग सिकनेस, ये सब था। तो आई वॉज़ नॉट एबल टू कंटिन्यू माई जॉब, सो आई हैड टू क्विट। एंड उसके बाद जब घर बैठी तो मुझे लगा कि अब मैं क्या ऐसा कर सकती हूँ जो कि मुझे मेरे इंटरेस्ट का हो और जो मैं लोगों तक भी पहुँचा सकूँ। फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं अपने जहाँ मैं रहती हूँ अपार्टमेंट में ही स्टार्ट कर दूँ लोगों को मेहंदी का क्लासेस देना, क्योंकि मुझे मेहंदी और क्रिएटिविटी इन सब में, आर्ट में काफ़ी इंटरेस्ट है। सो मैंने कोशिश की पर मैं ज़्यादातर लोगों को यहाँ जानती नहीं और लैंग्वेज इशू था, इस चक्कर में मैं बता भी नहीं पाई कि मुझे एक क्लासेस लेना है या मैं प्रमोट नहीं कर पाई उस चीज़ को। सो फिर मैंने सोचा कि चलो अब क्या करूँ, अब मेरे पास क्या ऑप्शन है। तो मैं YouTube देखती थी यहाँ पे क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ही सिर्फ यहाँ रहते हैं। तो पता चला कि चलो यूट्यूब पर इतने सारे लोग हैं जो बहुत कुछ कर रहे हैं और इतना सारा वैरायटी ऑफ वर्क, वैरायटी ऑफ टैलेंट है कि आप मतलब अगर मैं भी इसमें कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे पाऊँ, मैंने ऐसा सोचा। और फिर मैंने अपना पहला वीडियो जो था वो अपलोड किया यूट्यूब पे। मेरे चैनल का जो स्टार्टिंग नाम था वो पहले मेहंदी बाय अमू था क्योंकि मेरा जो फेसबुक पेज है वो भी मेहंदी बाय अमू से ही था। तो मैंने स्टार्ट किया मेहंदी बाय अमू और मेरे फर्स्ट वीडियो को जो कि मतलब काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। और वो चीज़ जब आप जैसे किसी कॉमेडियन के लिए एक लाइव ऑडियंस का जो रिएक्शन होता है वो उसे पता चल जाता है, उसी तरीके से यूट्यूब है। अगर आप वहाँ अपलोड कर रहे हो अपना कुछ कंटेंट दे रहे हो तो आपको ऑडियंस बताती है, जैसे कि आप लोगों ने मुझे बताया, आप लोगों को काफ़ी वो चीज़ पसंद आई तो उसने मुझे बहुत हेल्प करी, मोटिवेट भी किया कि मैं कुछ करूं और अपना वीडियो को और इम्प्रूव करूं, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी अच्छा, उसको रिस्पांस मिला, मुझे काफ़ी अच्छे कमेंट्स मिले। सो मुझे लगा कि चलो अब मतलब मज़ा आने वाला है कि यार मैं भी कुछ कर पा रही हूं। और दूसरा वीडियो जब मैंने डाला तो धीरे 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 व्यूज़ भी बढ़े। मुझे इतना नॉलेज नहीं था यूट्यूब का कि आप यूट्यूब से अर्न भी कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो, तो ये चीज़ तो बहुत सेकेंडरी थी। सबसे पहले तो मैं खुद के जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए ये सब करना चाहती थी। सो मैंने वो स्टार्ट किया और उसके बाद तो बस लाइन लग गई, जैसे
मैंने स्किन केयर प्रोडक्ट्स पे रिव्यू देना शुरू किया, उसको भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। और अब धीरे धीरे मैं अपने वैरायटी ऑफ वर्क, जो भी जिस भी काम में मेरा इंटरेस्ट है या मुझे कुछ नॉलेज है अगर, तो मैं ज़रूर से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और साथ के साथ आप भी मुझे बताते रहिए, क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि आप मुझे फीडबैक दीजिए, कॉमेंट्स दीजिए, क्योंकि यही चीज़ मुझे अपने वीडियोज़ को इम्प्रूव करने में मदद करती है। तो और मैं आपको क्या बताऊँ अपने बारे में, मुझे इंटरेस्ट इसी आर्ट में है और क्राफ्ट में है। जो क्रिएटिविटी वाली चीज़ें होती है वो होती है मुझे जो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। अभी मैं रिसर्च करती रहती हूँ और जो यूट्यूबर्स हैं, जो क्रिएटर्स हैं, उनके वीडियोस देखती हूँ, अपने चैनल को इम्प्रूव करने की कोशिश करती रहती हूँ, अपने वीडियोस को की क्वालिटीज़ को और बेहतर कैसे बनाऊं, अपना साउंड अच्छा कैसे रखूं, म्यूज़िक कैसे अच्छा रखूं, ये सब मैं इस पे काम करती रहती हूं। अगर आप मुझे बताएंगे कि आपको किस वैरायटी में या किस तरह के वीडियोस और देखने हैं तो आप मुझे बताइए, तो फिर मैं उस तरह से जितना भी मुझे मैं कर पाऊँगी उतना मैं कोशिश करूँगी कि वो उस तरह के वीडियोज़ भी अपलोड करूँ। और मैं ये कह सकती हूँ कि आने वाले वीडियोस में मैं अपनी जो मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मुझे जो नॉलेज मिला है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सम पिक्चर्स आल्सो विल बी ऑन द वे। एंड अभी तो गुड न्यूज़ जो होगी वो मई में आएगी, क्योंकि मैं मई बॉर्न हूँ और मेरा जो बेबी है वो भी मई में ही आने वाला है। सो लेट्स सी, मई 2018 मेरे को मुझे आपकी गुड विशेस चाहिए होगी। और धीरे धीरे एक और चीज़ मैं आपको YouTube से रिलेटेड ही बताना चाहूँगी कि इनिशियली मैंने ये सोचा नहीं था कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हो और मैं बहुत सारा ऐसा 1 मिलियन 2 मिलियन व्यूज़ आ जाए, ये सब मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। मैं बस ये सोच रही थी कि मुझे अपना जो मेहंदी का मेरा जो आर्ट है बस वो मैं आप तक पहुँचाऊँ। और क्योंकि होम ट्यूशन या ये ट्रेनिंग मैं किसी को दे नहीं पा रही थी फिज़िकली, तो मैंने सोचा कि चलो इस तरीके से करती हूँ। पर धीरे धीरे जिस तरह का रिस्पांस आप लोगों ने मुझे दिया, तो मतलब क्या बात है, तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा। और मैं कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच कि ज़ीरो से जो सब्सक्राइबर मेरे ज़ीरो थे आज वो अराउंड 63,000 होने वाले हैं। सो ये सब आपके सपोर्ट की वजह से हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ। और अपनी तरफ से मुझसे जो भी अच्छा आपके लिए मैं जो भी अच्छा वीडियो बना पाती हूँ या जो भी आपको सर्व कर पाती हूँ वो मैं करना चाहूँगी। और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, आगे भी करते रहिए। और थैंक यू। आप मुझे बताइएगा अगर आपको मेरे स्किन केयर और मेकअप से रिलेटेड वीडियोस भी पसंद हो तो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा मेकअप या मैं प्रो नहीं हूँ, पर जी हाँ मैं थोड़ा बहुत जो बिगिनर्स लेवल का है वो मेकअप कर लेती हूँ। और सो मेरी YouTube जर्नी में एक बात और इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं हमेशा कांस्टेंट रहने की कोशिश करती हूँ। जैसा कि अगर मैं वीडियोस मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी सुना है कि वो लोग ये बोलते हैं कि अगर आपको YouTube पे अपना एक एग्जिस्टेंस बनाना है तो आप उस पर कॉन्स्टेंटली अपने वीडियोस, अपने कंटेंट को इम्प्रूव करते रहिए और अपने वीडियोस अपलोड करते रहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको वीकली ट्वाइस आपने चूज़ किया है वीडियो अपलोड करने का, तो आप वो करिए, उसको विदाउट एनी मिस आप उसको स्किप मत करिए चीज़ को। तो वही चीज़ मैंने कोशिश की है अपने चैनल पर करने की कि मैं जितना ज़्यादा कंटेंट अपलोड कर सकती हूँ अकॉर्डिंग टू द व्यूअर्स चॉइस, तो मैं वो अपलोड करने की कोशिश करती हूँ। और मुझे इसमें काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। ये शायद आप लोगों को भी हेल्प करे अगर आप अपना चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो। सो आप आज होली है तो मैं आप सभी को हैप्पी होली कहना चाहती हूँ। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ सेफ होली, आपको बहुत ही खुशियों भरी होली मिले। और मुझे ये वीडियो अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो आई डोंट थिंक कि मैं आपको होली सेम डे वाले दिन पे आपको मेरी विशेज़ मिलेगी।
पर आप मुझे बताइएगा अगर आप के पास कोई भी ऐसी चीज़ है जो शेयर करने के लिए है, क्योंकि मैं हमेशा अपना ईमेल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिखती हूँ। मेरा ईमेल जो है वो girlistan@gmail.com है, और इंस्टाग्राम पे इट्स क्रिएटिव अमृता करके मेरा ईमेल आईडी है। सो आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई ऐसी चीज़ जो मुझसे शेयर करनी है, जो आप यहाँ यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में नहीं डाल सकते, तो आप मुझे वहाँ शेयर कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। और मैं बोलते बोलते बहुत थक गई हूँ, क्योंकि मेरी मुझ में एक ये थोड़ी सी खराबी है कि मैं बहुत ज़्यादा जब बोलती हूँ तो एकदम गला सूख जाता है, तो इसलिए। पर हम फिर मिलेंगे, और आप मुझे बताइएगा कि आपको ये 1-on-1 कैसा लगा, और साथ में ये भी बताइएगा कि किस तरह के वीडियोस और किस तरह का आर्ट क्राफ्ट आप मेरे तरफ से मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं। हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़े समय के बाद। बाय बाय।